अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाए, तो आज ही संपर्क करें। अलायंस कंपनी सिवान। समान कान समान वेतन के फैसले में हो रही विलम्ब को लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे शिक्षक संघ के नेता। 2 मार्च को 10,000 से अधिक शिक्षक प्रत्येक प्रखंड से शिक्षा अधिकार रैली में लेंगे हिस्सा। छपरा नगर के एक होटल में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शमेंद्र बहादुर सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन की लड़ाई न्यायालय में सुरक्षित है। फैसले के इंतजार में कई माह बीत गए जिससे शिक्षकों का सब्र का बांध टूट गया है। छपरा से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। यथावत उसी स्थिति में हम लोग का जजमेंट रखा गया है और आज तक उस पर फैसला नहीं आया। शिक्षक काफी असंतोष है, शिक्षकों में काफी अनेक तरह की भावनाएं और बात आ रही है। बिहार राज्य परिवर्तनकारी शिक्षक संघ आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह आग्रह करना चाहता है कि महामहिम जी, आप इन्हीं के द्वारा यह कहा गया है कि अगर न्यायालय में न्याय की प्रक्रिया में कहीं विलंब होती है तो समझिए कहीं ना कहीं कोई बात है। इसलिए आज इस छपरा की धरती से बिहार राज्य परिवर्तनकारी शिक्षक संघ सारण आदरणीय महामहिम से करबद्ध प्रार्थना करता है कि आप कम से कम हस्तक्षेप करके बिहार के 4 लाख नियोजित परिवार को न्याय दिलाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का स्पष्ट करें। इसके लिए बिहार राज्य परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ सारण आपका सदा